हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल यू एंड मी के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर वीडियो के माध्यम से आपके लिए कोई ना कोई वास्तु का उपाय लेकर आते हैं, जिससे आप अपने घर के अपने ऑफिस के वास्तु दोषों को दूर कर सकते हैं। और आप देखेंगे हर वीडियो में हम आपके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन लेकर आते हैं दोस्तों, चाहे वह सोल्यूशन आपके रोजगार को लेकर हो, या फिर पारिवारिक अनबन को लेकर हो, व्यवसाय को लेकर हो, नौकरी पेशे को लेकर हो, या आपके पैसे फंस जाते हैं उस चीज़ को लेकर हो। तो छोटे छोटे हम घरेलू उपाय आपको हर वीडियो के माध्यम से बताते रहते हैं, ताकि आप अपने जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करके अपने जीवन को और भी बेहतर तरीके से जी सके। तो दोस्तों, हमारे चैनल के साथ बने रहिए, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आपको नई नई अपडेट मिलती रहे। आज इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि यदि आपके घर में कोई लगातार बीमार हो रहा है, आप बहुत परेशानी आपके पास आ रही है और आपको लगता है कि यार एक परेशानी से पीछा छूटता है तो दूसरी परेशानी मेरे पास आ जाती है अपने आप ही। तो यदि आपकी परेशानियां ही नहीं खत्म हो रही है, तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, करना क्या है आपको, शनिवार के दिन दोस्तों, शनिवार के दिन एक सरसों के तेल का दिया सुबह सुबह अपने घर पे लगाएं। जैसे सूर्य उदय होता है, आप अपने घर पे नहा धो के एक सरसों के तेल का दिया अवश्य लगाएं। और यदि आपके घर में कोई लगातार बीमार रहता है, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय बताएंगे। सरसों के तेल के साथ आपको एक छोटा सा मंत्र पढ़ना है। वो मंत्र क्या है आपको, वो मैं अभी आपको, ओम हां जू सह। यदि आपके घर में लगातार कोई बीमार होता रहता है, तो आपको यह मंत्र प्रयोग करके अवश्य देखना चाहिए। सरसों के तेल के साथ लगाए वह आदमी और ओम हूं जू सह मंत्र का प्रयोग करें। यह मंत्र हम आपको वीडियो के अंत में लिखकर भी बता देंगे, क्योंकि कई बार मंत्र नहीं समझ में आ पाता वीडियो के माध्यम से, तो लिखने के बाद यह आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यह मंत्र करने से दोस्तों, सिर्फ एक सरसों के तेल की जोत और एक मंत्र से आप अपने भविष्य बदल सकते हैं। बीमारी है तो आपका पीछा छूट जाएगी, यदि आपके कामों में बार बार बाधाएं आती रहती हैं तो वह दूर हो जाएगी। जो परेशानियां, जो फाइनेंशियल परेशानियां आपको झेलनी पड़ती हैं, तो वह आप नहीं झेलेंगे, वह अपने आप ही दूर हो जाएगी दोस्तों। तो छोटा सा उपाय करने से, सिर्फ शनिवार के दिन का एक उपाय, और आपका भाग्य बदल सकता है दोस्तों। तो और भी लोगों तक तो हमारी बात पहुंचाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। और यदि आप इस दिन प्रसाद वगैरह का वितरण करते, तो वह और भी बेहतर हो सकता है आपके लिए। धन्यवाद।